computer organization and architecture methods to avoid cache coherence problem. कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम क्या थी, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो मेन मेमोरी है उसके पास जो भी मेमोरी में लोकेशन है उसको जो कैशेस डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस करते हैं वहां पर जो वैल्यूज होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, राइट. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम चार मेथड है हमारे पास, राइट अपडेट राइट थ्रू, राइट अपडेट राइट बैक, राइट इनवैलिडेट राइट थ्रू एंड राइट इनवैलिडेट राइट बैक. इन टर्म्स को हम वन बाय वन लेते हैं, ठीक है. सबसे पहली बात क्या है कि इसमें कैश जो है, फॉर एग्जांपल जो मेन मेमोरी है उसके पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, इसे फर्स्ट कैश ने एक्सेस किया और एक डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, वैल्यू में डिक्रीमेंट कर दिया, एक वैल्यू कम हो गई है और इसके पास एक्स की वैल्यू अब 9 है, ठीक है. ओके, तो यहाँ पर राइट अपडेट जस्ट मैं फर्स्ट टर्म ले रही हूँ जो कि यहाँ पर दोनों सेम है. राइट अपडेट का मतलब क्या है पहले ये जानते हैं. राइट अपडेट का मतलब क्या है कि ये जो टर्म यूज होगी वो कैशेस के बीच में होगी, जितने भी ये कैशेस हैं दूसरे प्रोसेसर के पास प्लस इस कैश, इन दोनों तीनों या चारों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी वो यहाँ पर होगी. राइट अपडेट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज हुई है जो कि मेन मेमोरी में थी, यहाँ पर कोई भी चेंज किया इस कैश ने, ठीक है, तो ये कैश में जो वैल्यू नहीं आई है वो क्या हुई, एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है, तो वो वैल्यू हर एक कैश में ये अपडेट कर देगा, कम्युनिकेट करेगा बाकी कैशेस से कि अब जो है जो एक्चुअल वैल्यू है वो एक्स की 9 हो गई है, ठीक है. तो इसे क्या कहते हैं कि जो भी अपडेशन हुआ है उसको राइट कर दिया बाकी कैशेस में भी, ठीक है. तो ये क्या हुआ, राइट अपडेट, ठीक है. अब राइट अपडेट में भी दो चीजें होंगी, राइट थ्रू राइट बैक. ये तो था राइट अपडेट, मतलब बाकी कैशेस को अपडेट कर दिया, बट अभी मेन मेमोरी को अपडेट नहीं किया है, राइट. तो जो सेकंड टर्म देखिए, राइट थ्रू, राइट थ्रू का मतलब क्या है, जब इसने यहाँ पर वैल्यू अपडेट की 9, तो जैसे इसने को भी अपडेट की बाकी को, उसी तरह से ये मेन मेमोरी में भी रिफ्लेक्ट कर देगा वैल्यू 9, ठीक है. तो ये क्या हुआ, राइट अपडेट राइट थ्रू, मतलब सभी कैशेस को भी अपडेट करा दिए वैल्यू और मेन मेमोरी को भी, ठीक है. सेकंड देखिए टर्म, राइट अपडेट, राइट अपडेट मतलब बाकी कैशेस में अपडेट करा दी वैल्यू, राइट बैक, बट ये क्या करेगा, साथ के साथ मेन मेमोरी को अपडेट नहीं कराएगा. कब कराएगा ये इसको अपडेट, जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरा एक डिक्रीमेंट का कोई भी प्रोग्राम था जिसमें कि वैल्यू कभी डिक्रीमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल फिर उसके बाद इंक्रीमेंट भी था, तो ये वैल्यू चेंज होती रही, ठीक है, ये यहाँ पर सेव होती रहेगी प्लस बाकी कैशेज में भी सेव होती रहेगी, ठीक है. बट जब कैश में स्पेस नहीं होगा और इस पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करके, जैसा कि हमने पहले देखा था कि रिप्लेसमेंट होती है कैशेज में, तो जब इसको रिप्लेस करना होगा, इस वैल्यू को फ्लश करना होगा कैश को, तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, फ्लश करने से पहले राइट बैक करेगा मेन मेमोरी में, ठीक है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अपडेट तो हर बार कैश में कर रहा है, बट राइट थ्रू के केस में साथ के साथ यहाँ पर भी अपडेट हो रहा है, राइट बैक के केस में जब इसको वैल्यू फ्लश करनी है, जब यहाँ कैश से रिमूव करनी है, रिप्लेस करके दूसरी कोई वैल्यू लानी है या फिर कोई और डाटा यहाँ पर सेव करना है, तो उस टाइम पर ये फ्लश करने से पहले यहाँ पर मेन मेमोरी में अपडेट कर देगा, ठीक है. ओके, थर्ड पर आते हैं, राइट इनवैलिडेट राइट थ्रू एंड राइट इनवैलिडेट राइट बैक. राइट इनवैलिडेट का मतलब क्या है कि ये भी कैशेस के लिए है, जब यहाँ पर वैल्यू इसने डिक्रीमेंट कर दिया कैश 1 ने, तो ये क्या करेगा कि बाकी जो कैशेस हैं बाकी प्रोसेसर के पास, उनको क्या बोलेगा कि जो वैल्यू ऊपर मेन मेमोरी में है या फिर जो भी वो एक्सेस कर रहे हैं मेन मेमोरी से, वो इनवैलिड वैल्यू है और अभी मैं अपडेशन कर रहा हूँ, मतलब क्या है, उसको यूज मत करो क्योंकि वो इनवैलिड है, जस्ट ये इन्फॉर्म कर देगा, ये वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा, जस्ट इसको ये बताएगा कि जो आप वैल्यू मेन मेमोरी से एक्सेस कर रहे हो वो इनवैलिड है, उसको यूज मत करो, ठीक है. दोनों के केस में यही है कैशेज में, ठीक है. राइट थ्रू वही होगा, राइट थ्रू का मतलब क्या है कि जैसे इसने यहाँ पर सबको बोल दिया कि ये इनवैलिड है,
और ये जो है वैलिड वैल्यू जो है वो यहाँ पर अपडेट कर देगा, राइट थ्रू मतलब साथ के साथ यहाँ पर वैल्यू अपडेट कर देगा और फिर वो वैल्यू आप यूज कर सकते हो बाकी कैशेस। बट जिस टाइम ये प्रोग्राम चल रहा था, डिक्रीमेंट हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था या जो भी हो रहा था, वैल्यू में चेंजेस आ रहे थे, उस टाइम पे ये बाकी कैशेस को इन्फॉर्म कर रहा है कि इस वैल्यू को जो मेन मेमोरी में है अभी यूज मत करो क्योंकि मैं अपडेशन कर रहा हूँ, राइट। और राइट इनवैलिडेट राइट बैक का मतलब क्या है कि इसमें भी यही होगा, हर एक कैश को ये बोल रहा है कि मेन मेमोरी की वैल्यू यूज मत करो क्योंकि मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ। सेकेंड चीज राइट बैक, यहाँ पर अल्टीमेटली ये कब मेन मेमोरी में अपडेट करेगा, जब ये वैल्यू फ्लश करने वाला होगा, राइट। ओके, आई होप कि चारों डेफिनेशंस आपको क्लियर है। ओके okay.